My dear students, today I shall teach you remaining part of lesson 2. ग्लेडिन के वीडियो में हमने आधे पार्ट का लगभग पढ़ा करके वीडियो बना के आपको सेंड किया था, आपने संभवतः उसको पढ़ा होगा। अब जो इसका शेष भाग है, रिमेनिंग पार्ट है, उसको हम पढ़ा करके और वीडियो बना करके आपको सेंड करेंगे। तो कम एंड लुक इन टू योर बुक्स। द एंजल सेड, डोंट वरी, आई शैल फाइंड आउट योर एग्स फ्रॉम द रिवर। द एंजल वेंट इन साइड द वाटर एंड आफ्टर सम टाइम केम आउट विद अ गोल्डन एग्स इन हिज हैंड। द वुड कटर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट गोल्डन एग्स। एक्सेप्ट माने होता स्वीकार करना, ए सी सी ई पी टी, स्वीकार करना। देखेंगे, द एंजल सेड, क्रिम्स देवदूत ने या फरिश्ते ने कहा, डोंट वरी, वरी माने होता चिंता, क्रिकी वरी, चिंता मत करिए, मीनिंग हमने भेज दिया। आई विल फाइंड योर एग्स फ्रॉम द रिवर। क्रिकी चिंता मत करिए, फाइंड माने होता है खोजना या पता लगाना। करा कि मैं आपकी कुल्हाड़ी जो है क्या करूँगा, नदी में से खोज दूंगा, सर्च कर दूंगा। द एंजल्स वेंट इन साइड द वाटर, इन साइड मैंने अंदर की तरफ, तो एंजल कहाँ गया, पानी के अंदर। एंजल माने अभी हमने बताया था देवदूत या फरिश्ता। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद, केम आउट विद अ गोल्डन एग्स इन हिज हैंड, अपने हाथों में क्या लेकर आया, एक सोने की कुल्हाड़ी। करे कि वह एंजल देवदूत जो है पानी के अंदर गया और कुछ समय बाद अपने हाथों में एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर के अंदर आया। द वुड कटर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट गोल्डन एग्स, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, और डाइव माने डुबकी लगाना। तो करें कि द वुड कटर रिफ्यूज, कटर ने क्या किया, इनकार कर दिया, मना कर दिया, टू एक्सेप्ट दैट गोल्डन एग्स, करें उस सोने की कुल्हाड़ी को स्वीकार करने से मना कर दिया, उसने कह दिया कि मैं नहीं लूंगा। द एंजल अगेन वेंट इनसाइड द वाटर, दिस टाइम ही केम आउट विद अ सिल्वर एग्स एंड गेव इट टू द वुड कटर। अगेन द वुड कटर रिफ्यूज सेइंग दैट हिज एग्स वाज नॉट अ सिल्वर एग्स, हिज और वाज के बीच में एग्स नहीं लिखा है, एग्स लिख लेंगे। द एंजल वंस अगेन डाइव्ड इन टू द वाटर, दिस टाइम ही केम आउट विद द वुड कटर्स आयरन एग्स। द वुड कटर हैप्पली एक्सेप्टेड हिज एग्स एंड थैंक्ड द एंजल। द एंजल केम वेंट इन साइड द वाटर, करें कि वह एंजल जो है पुनः करें पानी के अंदर गया। दिस टाइम ही केम आउट विद अ सिल्वर एग्स, करें इस पार उसके लेकर के आया, एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के आया। एंड गेव इट टू द वुड कटर, और उसे किसे दे दिया, वुड कटर को, करें और उसने वुड कटर को दे दिया। अगेन द वुड कटर रिफ्यूज्ड सेइंग दैट हिज एग्स वाज नॉट अ सिल्वर एग्स, करें पुनः वुड कटर ने यह कहते हुए
रिफ्यूज कर दिया उसको लेने से मना कर दिया कि उसकी कुल्हाड़ी जो है चांदी की नहीं थी। हिज एक्स वाज नॉट अ सिल्वर एक्स, करें उसकी कुल्हाड़ी चांदी की नहीं थी, यह कह करके उसने फिर मना कर दिया। द एंजल वंस अगेन डाइव इन टू द वाटर, करें एक बार फिर उस देवदूत ने एंजल ने फिर पानी में डुबकी लगाई। जाए माया लिखा है गोता लगाना या डुबकी लगाना, तो फिर उसने पानी में डुबकी लगाई या गोता लगाया। दिस टाइम ही केम आउट विद द कटर्स आयरन एक्स, सबकी क्या लेकर आया इस बार हो जाए उस उटकटर की या लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी लेकर के आया पानी में से। द उटकटर हैप्पली एक्सेप्टेड हिज एक्स एंड थैंक्ड द एंजल, करे उटकटर ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कुल्हाड़ी को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और उस देवदूत को उसने धन्यवाद दिया, करे उसने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कुल्हाड़ी को एक्सेप्ट कर लिया और उस एंजल को धन्यवाद दिया, थैंक किया। द एंजल वाज ग्रेटली प्लीज्ड विद द ऑनेस्टी ऑफ द उटकटर। द एंजल सेड टू द उटकटर, आई एम वेरी प्लीज्ड विद योर ऑनेस्टी, देयरफॉर टेक दिस गोल्डन एंड सिल्वर एक्सेज एज अ गिफ्ट फ्रॉम मी, फ्रॉम माने मेरी ओर से, फ्रॉम मी माने मेरी तरफ से। द उटकटर वाज वेरी हैप्पी, रियली ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्चू, वर्चू माने क्या क्या वर्चू माने गुण। तो द एंजल वाज ग्रेटली प्लीज्ड विद द ऑनेस्टी ऑफ द उटकटर, क्योंकि वो देवदूत जो है लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत ही ग्रेटली माने बहुत ही प्लीज माने प्रसन्न हुआ, करे बहुत ही प्रसन्न हुआ। द एंजल सेड टू द उटकटर, करे उस एंजल ने देवदूत ने उटकटर से कहा, आई एम वेरी प्लीज विद योर ऑनेस्टी, करे कि मैं आपकी ईमानदारी से बहुत प्लीज हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। देयरफॉर टेक दिस गोल्डन एंड सिल्वर एक्सेज आल्सो एज गिफ्ट फ्रॉम मी, कर इसलिए ये सोने की और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी आप मेरी तरफ से गिफ्ट के रूप में ले जाइए, करें कि दोनों सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी आप मेरी तरफ से क्या करिए एज अ गिफ्ट, करें मेरी तरफ से गिफ्ट में ले जाइए, यानी उसको उसकी भी मिल गई और मिल गई। द उटकटर वाज वेरी हैप्पी, अब तीन तीन गुलामियाँ पा गया था, फिर द उटकटर वाज वेरी हैप्पी, फिर उटकटर जो है बहुत ही प्रसन्न था। रियली ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्चू, रियल मतलब वास्तव में, करे ईमानदारी ये महान गुण है, करे वास्तव में ईमानदारी एक महान गुण है। तो अब इसको आप पढ़ेंगे, अर्थ देखेंगे, वीडियो देखेंगे और YouTube पर चैनल है वहाँ से जितनी बार चाहेंगे देखेंगे और लाइक करेंगे, फिर इसका जो है ये जो है मल्टीपल MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स हम इसको कार्ड में इसको आपको लिख करके देंगे और फिर क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे। थैंक्स।